दिल्ली के अंदर रहने का है सपना, और दोस्तों घर नहीं हो रहा है आपका अपना। तो अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, बजट आपके पास है नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि दिल्ली में आपका अपना घर हो जाए। तो दोस्तों ऐसी मुश्किल में इंडिपेंडेंट नितिन यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा काम करता रहता है। सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं दोस्तों कि आपका घर दिल्ली के अंदर कैसे बनाया जाए। हम जो प्रॉपर्टी तैयार करते हैं उसमें महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। तो आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगा वो आपके बजट के अंदर दिखाऊंगा। जी हाँ, आपका बजट कम है, सैलरी कम है और अपना घर दिल्ली के अंदर ले नहीं पा रहे हैं, तो आज का जो ऑफर है वो बहुत ही खास दोस्तों आपके लिए लेकर हाजिर हो गए आपकी सेवा में। हम जो ऑफर आपको दे रहे हैं ये 50 गज में इंडिपेंडेंट आपको जो है 2 BHK मिलेगा यहां पर दोस्तों, जिसमें आपको 2 रूम का सेट, एक लिविंग एरिया, किचन मॉडल होगा और बाथरूम आपको जो है दो दो मिल जाएंगे, जिसमें एक कॉमन बाथरूम आपको मिलेगा दोस्तों। उसके बाद एक मास्टर बेडरूम जिसमें आपको वॉशरूम वहां भी अटैच मिलेगा, जिसमें आपको मॉडुलर किचन मिलेगा, यहां पर मंदिर का स्पेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है दोस्तों। दो दो बड़े बड़े रूम मिल जाएंगे। इंडिपेंडेंट यूनिट है दोस्तों, उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन में आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी दोस्तों, मात्र 1 रुपया लेकर आइए और अपना जो है घर दिल्ली के अंदर बसाइए। जी हाँ, 0 डाउन पेमेंट पर आपको जो मैं आज ये प्रॉपर्टी दूंगा। जी हाँ, आपका बजट कम है, आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है देने के लिए, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, डाउन पेमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप मत दीजिए डाउन पेमेंट दोस्तों। अपना घर दिल्ली के अंदर बसाना चाहते हैं तो जी हाँ, 0 डाउन पेमेंट यानी कि 100% लोन पर, 100% लोन पर आप ये प्रॉपर्टी फाइनेंस करवाकर ले सकते हैं। आपके पास बजट नहीं है, डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 100% आपको जो है ये फाइनेंस करवा के मैं घर आपको जो है देने वाला हूं दिल्ली उत्तम नगर की लोकेशन में। फैसिलिटी दोस्तों आपको यहां पर बता देता हूं सारी मिल जाती है, हॉस्पिटल्स, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, सर आपके जो है यहां पर 50 से 100 मीटर के दायरे में दोस्तों, आपको इस प्रॉपर्टी के 100 मीटर के दायरे में ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अब यहां पर आपको जो है बेसिक एमिनिटीज बता देता हूं, यहां पर आपको दिल्ली जल बोर्ड का वाटर का कनेक्शन दोस्तों यहां पर मिल जाता है, समरसिबल आपको इंस्टॉल्ड यहां पर मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद BSES राजधानी से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको मिल जाता है, प्लस यहां पर आपको IGL से गैस पाइपलाइन का कनेक्शन भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो यहां से मेट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर के, जी हां सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर के डिस्टेंस पर आपको जो है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन यहां पास में देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी घर के बिल्कुल जस्ट बाहर है रहने वाली है। जी हां, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना, आपको घर से बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा मिलेगा, बिल्कुल घर के बाहर निकलते ही आपके सामने कमर्शियल रोड है, मार्केट बनी हुई है, जहां से आपको ऑटो रिक्शा वगैरह आउटसाइड जाने के लिए वे टू कन्वेंस दोस्तों मिल जाएगा। फैसिलिटी सारी है, रिहाइश करने में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिटी के अंदर आपको जो है ये घर दिखा रहे हैं दोस्तों, किसी गांव के अंदर नहीं है और बजट कम है। मैं फिर से बताऊंगा कि 0 डाउन पेमेंट, जी हाँ सिर्फ 1 रुपया दीजिए और अपना घर दिल्ली के अंदर बसाइए। 0 डाउन पेमेंट पर आपको जो है 100% लोन पर ये 2 BHK दोस्तों इंडिपेंडेंट यूनिट मैं आज आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा जो है इस फ्लैट का टूर करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है पूरे वीडियो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको जो है इसका पहला बेडरूम आपको दिखा देता हूं दोस्तों। मोहन गार्डन उत्तम नगर की लोकेशन में नियर द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन आपको ये 2 BHK इंडिपेंडेंट यूनिट दोस्तों, 2 BHK फ्लैट दोस्तों देखने को मिलेगा, जिसमें 2 रूम सेट आपको किचन बाथरूम के साथ दोस्तों देखने को मिल जाएगा, प्लस बालकनी भी मिल जाती है आपको। अभी हम पहले रूम के अंदर खड़े हैं, सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, पूरा फ्लैट का टूर करेंगे, पूरा वीडियो जो है लास्ट तक वॉच कीजिए, इंटरेस्टेड वीडियो रहने वाली है, आपके मतलब की है। अगर आपके बजट में भी नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि फ्लैट भी काफी सस्ता रहने वाला है, मैं इसका प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूं, ताकि जो है आपको कष्ट ना करना पड़े। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, इसका जो प्राइस है 21 लाख रुपए रहने वाला है, 21 लाख रुपीज, और आप 0 डाउन पेमेंट पर ले सकते हैं, आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, पूरा अमाउंट आपको फाइनेंस करवा के 100% लोन यानी कि 100% फाइनेंस करवा के दोस्तों ये फ्लैट मैं देने वाला हूं। चलिए दोस्तों फ्लैट के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम अपने पहले बेडरूम के अंदर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि इसकी जो इंटीरियर की डिजाइनिंग है काफी अच्छी की गई है, आपको लग्जरी फ्लैट दे रहे हैं और इस बजट के अंदर 21 लाख रुपए में आपको जो है पूरे मोहन गार्डन के अंदर 2 BHK फ्लैट नहीं देखने को मिलेगा, वो भी 50 गज के अंदर। यहां पर पहले रूम के अंदर आप देख रहे हैं तो कस्टमाइज वॉलपेपर दोस्तों आपको लगा के दे रहे हैं, जो कि बहुत कॉस्टली है, इसका जो है कॉस्ट काफी अच्छा खासा आ जाता है, और इसमें आप शेड देख रहे हैं तो इसमें आपको क्रीम, ब्लैक और ब्राउन कलर का शेड देखने को मिलता है, जो कि कस्टमाइज वॉलपेपर 3D लुक में दोस्तों आपको यहां पर लगाकर दे रहे हैं। प्लस यहां पर इस साइड में आपका 6x6 का डबल बेड आ जाएगा, जैसे आप अपना डबल बेड लगाना चाहते हैं तो 6x6 का डबल बेड इस पोर्शन में लगाएंगे, जिसके पैर उस साइड जाएंगे और फेस आपका जो है बैक साइड इस वॉलपेपर की तरफ आएगी, और साइडों में भी अगर कोई लैंप वर्क चाहते हैं तो लैंप वर्क भी आप यहां पर लगा सकते हैं। आपको यहां पर स्लाइडिंग डोर की अलमीरा मिलती है, क्योंकि आप जब डबल बेड यहां पर लगाएंगे तो ऐसे जब हम अलमारी खोलते हैं तो स्पेस की हमें जो है प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको जो है बड़े साइज की यहां पर अलमीरा मिलती है, जो कि स्लाइडिंग डोर की रहने वाली है, जिसमें आपको ब्लैक और ग्रे और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दोस्तों देखने को मिलता है। ये हमारा माइका वर्क के साथ जो है
वुडन में आपको पूरी यहाँ पर अलमीरा जो मिलती है वो एक्सटर्नल नहीं रहेगी दोस्तों, इंटरनली रहेगी जो कि फिक्स रहने वाली है। और स्पेस की अगर बात करते हैं तो स्पेस इस अलमीरा का आप देख सकते हैं, तो काफी अच्छा स्पेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल न्यूली बिल्ट आपको जो इंडिपेंडेंट यूनिट ये फ्लैट हम दिखा रहे हैं 2 BHK में, अलमीरा का स्पेस देख लिए, काफी अच्छे शेल्स बने हुए हैं। ड्रॉअर का ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसमें भी आप अपना सामान रखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। ऊपर आपको अंदर की साइड में लाइटिंग ऑप्शन मिल जाता है, फोकस लैंप के साथ आपको जो है लाइटिंग वर्क मिलता है, जिसमें आपको स्टील की रॉड भी मिल जाती है, तो अपना जो कपड़े हैंगर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरी साइड हमारी जो रहने वाली है, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस आपको देखने मिलेगा। अभी जो है इसकी डेंटिंग बेंडिंग अभी सारी की सारी जो है इसकी फिनिशिंग जो है खत्म हुई है, जिसका सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर पड़ा है। तो अलमारे के अंदर आपको काफी स्पेस मिलता है, दूसरी साइड में भी आपको स्टील की रॉड के साथ फोकस लैंप का वर्क मिलता है, छोटे छोटे शेल्फ्स मिलते हैं, और आपको ड्रॉअर का ऑप्शन यहाँ पर भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। ये हो जाती है दोस्तों आपकी अलमीरा। अलमीरा के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक सामने जहाँ आपका डबल बेड आएगा यहाँ पर एक आपको LED पैनल मिल जाता है, जिसमें आपको PVC शीट पैनल का वर्क मिलेगा, प्लस आपको वुडन का यहाँ पर बोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें माइका वर्क है, व्हाइट और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। प्लस बैक साइड में इसमें आपको कोवलेट मिलती है जो कि येलो कलर में रहने वाली है, साइड के पोर्शन को काफी ज्यादा हाईलाइट कर देती है। 32 इंच का एक LED टीवी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसके पावर स्विचेस यहाँ पर दिए गए, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपके टीवी के साथ जो है कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फॉल सीलिंग देखिए, तो यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको मिलता है, फॉल सीलिंग काफी खूबसूरत हमारी जो है इस पोर्शन में रहने वाली है, जिसमें आपको साइडों में LED वर्क देखने को मिलता है, प्लस इसमें इनर साइड में आपको कोवलेट का वर्क मिलता है, जिसमें कलर आपको जो है येलो एंड ब्लू देखने को मिल जाएगा। इस साइड हमारी जो है बालकनी के साथ की विंडो रहने वाली है, विंडो को ओपन करने के बाद आप अपना कूलर लगाना चाहते हैं कूलर लगा सकते हैं, अपना जो है विंडो AC लगाना चाहते हैं विंडो AC भी लगा सकते हैं, उसका पावर स्विच आपको वहां पर मिल जाता है, वहां से आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसमें आपका विंडो AC आप आसानी से चला पाएंगे। प्लस यहां पर आपको जो है ग्लास वर्क के साथ विंडो मिल जाती है, यहां से प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगी। ये हमारा बालकनी का दरवाजा रहने वाला है, उससे पहले मैं आपको बाथरूम दिखाता हूं, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, तो यहां पर बाथरूम आपको मिल जाता है। बाथरूम आप देख लीजिए दोस्तों, तो यहां पर बाथरूम जो मिलता है आपको 6x5 का बाथरूम आपको यहाँ पर मिलता है, काफी अच्छा स्पेस है। इसमें जो आपको टैप्स मिलेंगे सारे ब्रांडेड कंपनी के टैप्स वगैरह लगा कर दे रहे हैं दोस्तों, इस साइड में सारे टैप्स वगैरह आपको ब्रांडेड कंपनी के लगे हुए मिलेंगे, शावर मिल जाएगा, वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो मिल जाती है, एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, और ऊपर फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है, जिसमें आपको LED का वर्क मिलेगा, प्लस साइडों में कोवलाइट ब्लू कलर में दोस्तों देखने को मिल जाएगी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी 2 विंडो दे दी गई है, जिसमें आपकी जो है वेंटिलेशन आपकी बालकनी के थ्रू पास होती रहेगी दोस्तों, प्रॉपर वेंटिलेशन आपके बाथरूम की रहेगी। और टाइलिंग आप देख रहे हैं, जिसमें ग्रे और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि एंड टू एंड टाइलिंग यहाँ पर यूज की गई है, जिसमें आपको हाई ग्लॉसी विट्रीफाई टाइल का वर्क मिलता है। अभी यहाँ पर पॉट यहाँ पर लगाई नहीं गई है, यहाँ पर आप चाहते हैं तो अपनी मर्जी से पॉट इंग्लिश हो या फिर इंडियन हो अपनी मर्जी से लगवा सकते हैं। रूम के डायमेंशन की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, रूम का डायमेंशन यहाँ पर 9x10 का रहने वाला है, जिसमें 9 फीट हमारा जो है ये चौड़ा रहेगा और 10 फीट लंबा हमारा ये बेडरूम रहने वाला है, तो स्पेस की कमी आपको यहाँ पर बेडरूम में नहीं होने वाली है। इस साइड में आप देखेंगे तो आपको एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है, अगर यहाँ पर आप अपने ग्लास लगाना चाहते हैं ग्लास लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट यही से हो जाएगी आपके पूरे रूम की। यहाँ पर आप अपना कोई सामान या फिर लैंप लगाना चाहते हैं लैंप लगा सकते हैं, उसके लिए आप जो है यहाँ पर काफी स्पेस मिलता है। और नीचे की साइड में इसमें आपको एक ड्रॉअर भी मिल जाता है, इसको ओपन करके इसमें सामान रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से आ जाते हैं अपने लिविंग एरिया के अंदर हम लोग, ये हमारा लिविंग एरिया रहने वाला है दोस्तों। लिविंग एरिया भी काफी अच्छा स्पेशियस आपको यहाँ पर मिलता है, जिसका साइज 9x9 का रहने वाला है दोस्तों, और नीचे फ्लोरिंग पर आपको व्हाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। लिविंग एरिया में ठीक सामने आपको जो है आप वर्क देख रहे हैं, तो PVC शीट पैनल का वर्क आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, इसमें पूरा पैनल लगाया गया है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो पैनल की जगह यहाँ पर आपको जो है टेक्सचर वर्क दे सकते हैं, वॉलपेपर वर्क दे सकते हैं, आप अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। प्लस ठीक यहाँ पर सामने आपको इंटरकॉम की फैसिलिटी मिल जाती है, ये इंटरकॉम दिया गया है दोस्तों, अगर मेन डोर से अगर कोई आपका गेस्ट आता है तो अपने घर के अंदर बैठे बैठे ही यहीं से उनसे बात करके अपना मेन डोर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सारी आपकी ऑपरेट हो जाएगी। प्लस उसके बाद बताऊं तो यहाँ पर सारा देख रहे हैं आप आर्टिफिशियल ग्रास का वर्क आपको मिलता है, देखिए डेकोरेशन काफी अच्छी की गई है, और जो हमारे पिलर रहने वाले हैं उसको भी हमने कवर कर दिया है, जिसमें आपको PVC शीट पैनल का वर्क मिलता है, ये सारी की सारी जो है PVC शीट पैनल का वर्क दोस्तों आपको यहाँ पर पिलर पर देखने को मिलता है, तो पिलर आपका जो है अलग से नहीं रहने वाला है। इस साइड हमारी मेन एंट्री रहती है, यहाँ से हम देख लेते हैं हमारी मेन एंट्री, तो यहाँ से हम स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर आए हैं दोस्तों। पूरी की पूरी यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट रहने वाली है, ऊपर का पोर्शन अलग है नीचे का पोर्शन पूरा अलग रहने वाला है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है, एंट्री के बाद आप जो है सबसे पहले आपको जो दरवाजा देखने को मिलता है दोस्तों वो वुडन का बहुत साइड माइका वर्क के साथ है, लॉकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं काफी हैवी लॉकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं गोल्डन कलर में, सारे आप देख रहे हैं ऊपर जो है छोटी छोटी कुंडियां लगाई गई हैं, जिससे कि आपको जो है लॉकिंग में प्रॉब्लम ना हो।
प्लस यहाँ पर लिविंग एरिया के अंदर सामने आपको एक टीवी पैनल भी मिल जाता है जो कि डिजाइनर वॉल के साथ रहने वाला है। ये डिजाइनर वॉल जो है वो किचन के साथ जो है पार्ट में डिवाइड करके बनाई गई है, जिसमें आपको मंदिर का स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड में हमारा देखेंगे तो मंदिर का स्पेस आपको मिलता है। देखिए आपको घर भी मिल रहा है, साथ में पूरा मंदिर भी मिल रहा है, जिसमें आपको अंदर की साइड में आप देख रहे हैं कि लाइटिंग वर्क आपको मिल जाता है कोवलाइट के साथ। छोटी छोटी स्टेयर बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर दोस्तों आपको यहाँ पर बना हुआ मिल जाता है, जो कि इसके साथ एंडबिल्ड रहने वाला है। अपना जो है कोई छोटी मोटी मूर्ति रख के अपने घर का पूजन भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर पाएंगे। प्लस पूजा के साथ अपना जो है मंदिर का स्पेस आपको मिलता है, उसके साथ कोई सामान रखना चाहते हैं तो नीचे ड्रॉर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर अपना मंदिर का कोई सामान रखना चाहते हैं उन ड्रॉर्स के अंदर आप रख सकते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है ब्लैक एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन, सॉरी यहाँ पर व्हाइट और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको देखने मिलता है। पूरे टीवी पैनल भी मिल जाता है, मंदिर भी मिल जाते हैं, ड्रॉर्स भी मिल जाते हैं, बड़ा ड्रॉर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर भी आप सामान रखना चाहते हैं। छोटे छोटे शेल्स बनाए गए जिसमें आप अपनी चीजें डेकोरेट करना चाहते हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना समथिंग 40 इंच या 41 इंच का आप एक LED टीवी यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं, जिसके पावर स्विच यहाँ पर कनेक्टन आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। ऊपर यहाँ पर फॉल सीलिंग भी दे दी गई है दोस्तों, जो कि स्क्वायर शेप में रहने वाली है दोनों साइड में डबल डबल, जिसमें आपको LED का वर्क मिलेगा साइडों में और इनर साइड में आपको जो है कोव लाइट का वर्क मिलेगा जो कि येलो कलर में दोस्तों, और उसके बाद आपको जो है ब्लू कलर में दोस्तों यहां पर कोवलेट देखने को मिलेगी। अब आते हैं हमारे किचन की तरफ, ये हमारा किचन देखिए, तो किचन भी काफी स्पेशियस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर दो लेडीज खड़े होके आसानी से अपने घर के अंदर अपने घर का खाना बना सकती हैं, इतना स्पेस दोस्तों आपको किचन के अंदर देखने को मिलता है। तीन भी खड़ी हो सकती है, अगर स्पेशियस की बात करें तो दो लेडीज एक इस पोर्शन में और दूसरी इस पोर्शन में खड़े होकर अपने घर का खाना आसानी से बना सकती हैं, जिसमें चूल्हा आपका इस पोर्शन में आ जाएगा। ग्रेनाइट का स्लैब आपको मिलता है जो कि डबल डबल रहने वाला है, जिससे मजबूती आपकी रहेगी। ग्रेनाइट का स्लैब आपको मिलता है, प्लस आपको एक साउंडलेस सिंक मिल जाता है इस पोर्शन में। और उसके बाद सामने के जो टैप्स मिलते हैं ब्रांडेड मिलते हैं दोस्तों, बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपना RO लगाना चाहते हैं RO भी लगा सकते हैं, बर्तन का स्टैंड लगाना चाहते हैं बर्तन का स्टैंड भी लगा सकते हैं दोस्तों। और इस पोर्शन में आपको जो है शाफ्ट मिल जाती है, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगी। ऊपर सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं, चिमनी आपको ब्रांडेड कंपनी की लगा कर दे रही है दोस्तों, चिमनी यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड ही मिलेगी। और ऊपर की साइड में आपको फोकस लैम्प का वर्क मिलता है, जो कि हमारी किचन दोस्तों रहेगी यहाँ पर ग्रे और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आपको किचन देखने को मिलेगी। ऊपर आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन भी मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, जिसमें आपको कोवलाइट का वर्क मिलता है प्लस आपको LED का वर्क मिलता है। और किचन में हर तरफ आपको जो है यहाँ पर साथ में हाई ग्लोसी हाई लाइट विट्रीफाइड टाइल का वर्क दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हमारा फ्रिज कहाँ आएगा, क्योंकि किचन के साथ फ्रिज रहना बहुत जरूरी है, तो इस पोर्शन में आप अपना फ्रिज भी लगा सकते हैं दोस्तों। 50 गज का दो हमारा इंडिपेंडेंट यूनिट फ्लैट दोस्तों आपको मिलता है दिल्ली के अंदर, जिसमें स्पेस देख रहे हैं आप काफी अच्छा है, किचन भी है, दो दो बेडरूम भी है, लिविंग एरिया भी है, दो बाथरूम भी है दोस्तों, और उसके बाद फ्रिज का स्पेस भी आपको यहाँ पर एक्सटर्नली मिल जाता है दोस्तों। इस साइड में हमारा कॉमन बाथरूम आ जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन बाथरूम ये हमारा काफी अच्छा स्पेशियस रहने वाला है, जिसमें साइज आपको मिलता है 5x6 का, 5 फीट चौड़ा रहेगा और 6 फीट लंबा हमारा ये बाथरूम दोस्तों रहने वाला है, जिसमें आपको इंडियन पॉट नहीं इंग्लिश पॉट यानी कि वेस्टर्न पॉट मिल जाती है। टाइलिंग एंड टू एंड मिलती है ब्लैक एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में, हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल पूरी नीचे से लेकर पूरी ऊपर तक टाइल लगाई गई है। इसमें आपको शॉवर मिल जाता है बड़े साइज का ब्रांडेड, नीचे की साइड में टैप सारे ब्रांडेड मिल जाते हैं, एक छोटा वॉश बेसिन विद टैप फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड में गीजर के पॉइंट की फिटिंग रहने वाली है, जिसका पावर स्विच आपको यहाँ पर दिया गया है। और ऊपर की साइड में आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलता है LED और कोवलाइट के साथ, प्लस यहाँ पर आपको एक विंडो मिल जाती है जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं तो एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। यह आ जाता है आपका बाथरूम, जो कि हमारा दूसरा बाथरूम हो गया। अभी साइड हमारा जो है थर्ड बेडरूम वो आपको दिखाते हैं, ये हमारा दोस्तों थर्ड बेडरूम रहने वाला है, जिसमें एंट्री पे राइट साइड में इस पोर्शन में आपको जो है एक टीवी पैनल, अगर आप चाहते हैं तो टीवी पैनल समझ सकते हैं इसको, स्टडी टेबल समझ सकते हैं, कुछ भी सामान लगाना चाहते हैं यहाँ पर लगा सकते हैं। सामने आपका डबल बेड आएगा इस पोर्शन में, और इस साइड में आपका टीवी पैनल, ठीक सामने हमारी एक शाफ्ट इस पोर्शन में रहने वाली है। शाफ्ट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर विंडो आपको मिलती है जो कि ग्लास वर्क के साथ रहने वाली है, इसके अंदर आपको जो है ग्लास का वर्क दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ग्लास लगाया गया है, ऊपर की साइड में ग्लास वर्क है, आप अपना कोई एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं तो एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो रूम है बैक साइड में रहने वाला है, फ्रंट साइड के रूम में हमने जो है स्प्लिट एसी का प्रोविजन नहीं दिया, बिकॉज वहां पर आपको वेंटिलेशन मिल जाती है क्योंकि बालकनी अटैच रहती है उसमें दोस्तों, तो बालकनी से हवा मिल जाती है। और विंडो इसे भी आउटसाइड लगा सकते हैं, बट यहाँ पर अंदर की साइड में कोई विंडो नहीं होती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिलता है, तो स्प्लिट एसी यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसकी सारी की सारी फिटिंग अंडरग्राउंड ही रहने वाली है। ठीक सामने आपको एक कस्टमाइज वॉलपेपर भी मिल जाता है, अपना डबल बेड यहाँ लगाना चाहते हैं तो यहाँ भी लगा सकते हैं।
बेड के बिल्कुल बैक साइड में आपको दो पावर स्विच मिलते हैं। अगर मोबाइल चार्जिंग करना चाहते हैं, कुछ भी लैपटॉप रख के अपना बेड पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए पावर स्विच होने बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ऊपर इसमें भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको मिलता है। देखिए फॉल सीलिंग का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत, बेहद सुंदर आपको जो फॉल सीलिंग यहाँ पर मिलती है, जिसमें साइडों में यहाँ पर भी व्हाइट कलर में LED का वर्क मिलेगा दोस्तों। प्लस उसके बाद इनर साइड में आपको जो है ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आपके कोवलाइट में मिलेगा। देन उसके बाद येलो कलर का कॉम्बिनेशन आपको जो है कोवलाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब इस रूम की बात करते हैं, ये रूम भी हमारा 9x10 का रहने वाला है। 9 फीट दोस्तों हमारे इसकी जो चौड़ाई रहेगी और 10 फीट इसकी लंबाई इस रूम की दोस्तों रहने वाली है। रूम भी स्पेशियस है, घर भी अच्छा है, 50 गज में बना हुआ है, मेट्रो से 600 मीटर के डिस्टेंस पर है। और सबसे अच्छा आपको जो है बेनिफिट यहाँ पर है, जीरो डाउन पेमेंट पर आप अपना ये फ्लैट ले सकते हैं 2BHK दिल्ली जैसी लोकेशन के अंदर। जो लोग अपना घर बसाना चाहते हैं ये स्कीम उनके लिए रहने वाली है और लिमिटेड ऑफर है दोस्तों। ज़्यादा इसमें यूनिट बची नहीं है हमारी, हम जल्द से जल्द जो है इसको सेल करना चाहते हैं और आधी यूनिट हम लोग सेल कर चुके हैं। अच्छे ऑफर के अंदर आपको जो है फ्लैट दे रहे हैं और सस्ता भी दे रहे हैं। जी हाँ, 21 लाख रुपए में आपको जो है ये 2BHK दोस्तों दिल्ली मोहनगढ़ उत्तर नगर की लोकेशन में मेट्रो से 600 मीटर के डिस्टेंस पर मिलेगा। ऐसे ऑफर बहुत कम देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी ये फ्री होल्ड है, रजिस्टर्ड है, लोनेबल है। फाइनेंस करवा कर लेना चाहते हैं तो फाइनेंस करवा कर जीरो डाउन पेमेंट पर, मैं फिर से बोलूंगा जीरो डाउन पेमेंट पर ले सकते हैं दोस्तों। कोई भी क्वारी तो क्या करना है, सिर्फ सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है, अपने फ्लैट पर विजिट करना है और अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी करनी है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।